हाँ जी आंसर बताइएगा, आंसर नहीं बताएंगे ठीक है ठीक है, जो तो पी लो नहीं समझ में कौन तेरे पास है सारी चीज है भाई, चलकर पूरा की कर यार भाई कर दो कर भाई माइक नहीं चल रहा चल करा पहली बात दूसरा नाइन ऑफ भी लगा दिया, तीन ऑफ का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या पर्याप्त, जरूरत से ज्यादा या पर्याप्त, और पर्याप्त के सेंस में इसी का मतलब होता है सफिशिएंट, क्या मतलब होता है सफिशिएंट, और सफिशिएंट कोई बोलते हैं क्या एनम होगा, लेकिन इसी के तौर पर एक और वर्ड भी होता है और वो क्या होता है सुपरफ्लूअस जब एनएफ आ चुका तो एनएफ के बाद काइंड काइंड या काइंड इसके साथ सो या टू का इस्तेमाल नहीं होता। आप में से भाई सेल मंगाइए भाई, ओ गोविंद भैया जल्दी। दूसरी बात ये है कई बच्चे इसमें टू देख के टू को चला लेंगे, नहीं चलाना, टू भी खुद इंटेंसिफायर और इनफ भी खुद इंटेंसिफायर है ठीक है, ध्यान रखिएगा एक वर्ड होता है एडिक्वेट, एडिक्वेट तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था उस समय, अब एडिक्वेट क्या वर्ड है एडिक्वेट वर्ड के अंदर रूट वर्ड क्या है एड, और एडी का मतलब होता है एडी चोटी का नहीं, एडी का मतलब होता है टुवर्ड्स की ओर, और जो चीज इक्वेट करने की ओर जो होती है वो चीज आपको जितनी कमी होती है उसको पूरे करने के लिए होता है, तो ये पर्याप्त है, और संसार का नियम है जिसको जो प्राप्त है वही उसके लिए पर्याप्त है नहीं है तो सेटिस्फाइड नहीं ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अब हार्डली और नो सुनर वाले जितने क्वेश्चन थे वो पिछली क्लास में हो गए, इंटेंसिफायर के जितने क्वेश्चन थे अब हो गए हैं, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपके पास लूं तो द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से पूछा, देखो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो मरीज पूछता है छुट्टी कब होगी और कब होगा। अगला जो द डॉक्टर आस्क्ड द मरीज पेशेंट, मनीष नहीं मरीज, मनीष कौन है आप, मनीष का मतलब क्या होता है मन का ईश्वर, बहुत सही बताया, द गॉड ऑफ हार्ट इज नोन एज मनीष, नहीं नहीं वो ऐसे बता रहा जैसे चुनौती दे रहा देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता, देश और राज चलता है खुददारी से दमदारी से, और किसी भी चीज की मेहनत करनी हो तो वो भी दमदारी से चलती है, और आपको मैंने बताया था कि टू गेन एनर्जी यू हैव टू बर्न एनर्जी, बताया था या नहीं, बात हुई थी इस बात पर, टू गेन एनर्जी यू हैव टू बर्न एनर्जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बीच बीच में झटके मारे कभी उठे गए कभी बैठ गए ऐसी झटके मारे, अब मुझे बताइए चलिए आपके ऊपर मार के दिखाते हैं, इसमें ए आएगा बी आएगा सी आएगा, गलती निकाल के दिखा दो, चुनौती है मेरी तुम सभी को। हाँ जी कमलेश मनेश वर्ब के साथ आएगा टू, तो ये क्या है वर्ब नहीं है रेगुलर
एल वाई ए लैगुलर ली अच्छा टू टेक है वेरी गुड। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम कि जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है तो उनको बीच में नहीं तोड़ते हैं और तोड़ते हैं तो इधर उधर तोड़ते हैं तो टू प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म के या तो इधर आएगा या इधर तो रेगुलरली टू टेक नहीं आएगा टू टेक मेडिसिन रेगुलरली रेगुलरली बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा और कौन से पार्ट में है सी। तो जितना भी क्वेश्चन आपके पास एडवर्ब में रहेंगे जिसने भी सेशन नंबर वन संडे वाला सेशन नंबर टू हॉल नंबर 70 वाला और सेशन नंबर थ्री आज वाला तीनों सेशन लिए हुए हैं और इन तीनों सेशन की खूबसूरती बताऊं आपको जानकर हर्ष खुशी प्रसन्नता एवं लचकतापन होगा कि इन तीनों सेशन की आपके पास वीडियो मौजूद है जिसको आप लाइव देख सकते हैं लाइव भी देख सकते हैं। देखो इसमें से कई लोग लाइव देखो चलिए ठीक है अगली बार मेरा एक नया बैच आ रहा है अमाउंट में नहीं आ रहा सर अमाउंट में नहीं पेंडिकुलेशन ऐसे कह रहा है जैसे इस समय बात कर रहा हूँ और इसको सुनाई नहीं दी पेंडिकुलेशन बोलो ना एक बार पेंडिकुलेशन बोलो बोलो अरे बोलो ना पेंडिकुलेशन पेंडिकुलेशन का अर्थ है जब पंडित जी सुबह सुबह कुल्ला करने के लिए उठते हैं तो सबसे पहले वो अंगड़ाई लेते हैं ऐसे और अंगड़ाई लेना अंगड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं पेंडिकुलेशन। देश चुनौतियों से परेशान नहीं है तो पेंडिकुलेशन का मतलब होता है अंगड़ाई मौसम नहीं है अंगड़ाई yawning and stretching of body of the body तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया तो ऐसा आएगा yawning and stretching of the body। आप देखना सुबह सुबह अगर आप उठते हो अगर नहीं उठते सुबह तो आपको जीव जंतु भी अपने बॉडी को खींचते दिखाई देंगे नहीं बात मेरी कहती नहीं मैं गलत बात नहीं कह रहा बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ खराब नहीं हो रहे इसका तो एक्सपंज हो रखा तो आपका होमवर्क ये है जी अब होमवर्क अभी खत्म नहीं हुआ दूसरा चैप्टर शुरू कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा मूड चेंज कर रहा हूँ। तो एडवर्ब की एक्सरसाइज कितने लोग कर लेंगे रेज योर हैंड्स ठीक है प्लीज आप 5-7 लोग कर लेना एक बार और इनको बताएं वन एट वन बैच प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली आप लोगों ने अब ये काम ये करना है ठीक है एडवर्ब के अंदर इतना ही आशा है आप में से जितने भी लोग अभी फ्रेश बैचेस के अंदर हैं हमारे वो सारे लोग समझ गए होंगे ठीक है हम छोड़ने वाले हैं सारी चीज़ें सही है लेकिन अभी भी हमें बैचेस पूरे करने में 3-4 महीने लगेंगे उन बैचेस के अंदर आपके वो चैप्टर भी होंगे जो जो आपको बैकअप लेने हैं तो उन लोगों के एक बार वो थोड़ी थोड़ी स्पीडली क्लास में ले लूँ ताकि आपके वो GIT वगैरह वगैरह मार्च में कहीं ना कहीं नंबर आ जाए और मोस्ट प्रोबेबली होली से पहले कहीं ना कहीं किसी बैच में नंबर आ जाएगा 14-15 तारीख के आसपास ठीक है। अभी अगर आप M322 जिसकी टाइमिंग है दो शब्दों से मिलकर बना है
सबसे ज्यादा वर्ड्स या फ्रेज को जोड़ने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। बताओ 181 में स्टार्टिंग हो गई थी, 321, 319 पढ़ा दिया था, आपका तो पूरा भी हो गया। 319, 321 जानो जाओ जाओ, क्योंकि पुराने ही करा रहा। चलो रिवीजन करा देता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। सबसे पहली बात जो कंजंक्शन होता है वो होता है एंड। बोलो जी एंड। एंड का अपना मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड का करने का काम आता है। लेकिन वो सेम नेचर की चीजों को ऐड करेगा। सेम नेचर की चीज कहने का मतलब, अगर नाउन है तो यहाँ पर भी क्या रखेगा? नाउन। अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो यहाँ क्या रखेगा? एडजेक्टिव। यहाँ एडवर्ब है तो यहाँ पर भी एडवर्ब, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी वर्ब। ठीक है,